Good morning, all of you. Today we are having a new lesson here, that is from the SST. After the examination, we are going for that one. We will not waste the time here and we will directly go to the topic. That is topic that we are going to take here is SST subject agriculture. I know that you have read about such kind of the lesson earlier in the classes, in the 7th class, in the 8th class, 9th class. It's not a very difficult topic, you can say, for you, but ये syllabus में है, knowledge भी है, पढ़ना तो पड़ेगा. तो चलिए थोड़ा सा quick look कर लेते हैं. जब chapter start होगा, there you will find out the definition about the primitive subsistence farming. Farming करने के different तरीके होते हैं, खेती करने के different ways होते हैं. उसके बारे में topic है भी, जैसे कि primitive subsistence farming. इसमें क्या होता है? वो time period जब इंसान को पता नहीं था एक्चुअल में एग्रीकल्चर है क्या, खेती कैसे करनी है. ऑन दैट टाइम दे वर ट्राइंग टू डू द फार्मिंग. सो देयर वाज वेरी सिंपल मेथड, पॉपुलेशन वाज नॉट वेरी हाई. दे वर क्लियरिंग द पैचेस बाय डिफरेंट ऑर्नामेंट्स एंड व्हाटएवर द टूल्स दे वर हैविंग ऑन दैट टाइम. जंगलों को साफ करते थे, हटाते थे, स्मॉल स्मॉल टूल्स होते थे. फार्मिंग मानसून पे डिपेंड होती थी. छोटे छोटे खेत बनाते थे सफाई करके, ठीक है, बिग लैंड नहीं हुआ करते थे. स्लैश एंड बर्न फार्मिंग हुआ करती थी. लैंड जो होता था बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं होता था, फर्टिलिटी लैंड की बहुत कम थी. या फिर हम ये कह सकते कि हम उस लैंड से वो आउटपुट नहीं निकाल पाते थे जो हमारे को चाहिए था. इट इज द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. फिर से बता दिया, स्मॉल टूल्स, छोटे खेत, बहुत ज़्यादा लोग काम नहीं करते थे, पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी, तो अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़े बहुत खेती कर लिया करते थे. तो वो एक दौर था, जंगल साफ किया, आग लगाया, खेत बनाया, खेती की, जो भी उगा लिया खा लिए. तो इट वाज द टाइम पीरियड. ऐसी खेती को हमने क्या कहा था? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. नेक्स्ट आता है इंटेंसिव फार्मिंग. जैसे कि नाम से पता है इंटेंसिव, यहाँ पे क्या होता है, ये खेती उस जगहों पर की जाती है या की जाती थी जिस जगह पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होते थे. मैंने जिस जगह की पॉपुलेशन वॉज वेरी हाई, तो वहाँ पे वी वर ट्राइंग टू डू सच काइंड ऑफ द फार्मिंग एंड स्टिल वी आर डूइंग सच काइंड ऑफ द फार्मिंग देयर. हाई पॉपुलेटेड एरिया हुआ करते थे, मैक्सिमम आउटपुट लिया जाता है विद मैक्सिमम इक्विपमेंट. यानी खेती हम कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उस लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन ले, और डिफरेंट टाइप ऑफ द टूल्स यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द फार्मिंग करते हैं, फसल अलग अलग उगाते हैं, नदी का पानी यूज किया जाता है. मानसून के ऊपर भी डिपेंडेंसी होती है, बहुत ज्यादा होती है, बट जो सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं हमारे पास क्या होता है, रिवर्स होती हैं, लैंड बड़े बड़े होते हैं, फैमिली मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है. क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हाई पॉपुलेटेड एरिया में हम फार्मिंग कर रहे हैं, सो वी नीड टू डू मोर प्रोड्यूस प्रोडक्शन, सो वी विल ट्राई टू डू द मोर प्रोडक्शन. तो ऐसी खेती को इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं. इससे डिफरेंट है, ठीक है, टूल्स के मामले में डिफरेंस है, पानी के मामले में डिफरेंस है, प्रोडक्शन के मामले में डिफरेंस है, फर्टिलाइजेशन के मामले में डिफरेंसेज है, ठीक. अगला हमारा कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है? जैसे नाम से पता है कमर्शियल, तो कमर्शियल फार्मिंग में होता है कि हम ये खेती करते हैं, किस लिए हम ये खेती करते हैं, चीजों को बेचने के लिए, या फिर रॉ प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होता है. यहाँ पे हम खाने पीने की चीजों का भी प्रोडक्शन करते हैं, प्लस उन चीजों का भी प्रोडक्शन करते हैं जो कि हमारे खाने काम नहीं आती है, बल्कि हम उसको बेचेंगे. वो रॉ मटेरियल होगा फैक्ट्रीज के लिए. अब कमर्शियल फार्मिंग में फर्क क्या है? यहाँ पे हम HYB सीड्स का यूज करते हैं, टूल्स होते हैं, और फार्मिंग के लिए जो पानी चाहिए होता है वो मानसून के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं रहता पूरी तरीके से. रिवर्स का पानी यूज किया जाता है पंप के द्वारा, या फिर जमीन के नीचे का पानी भी निकाल के हम उसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है. तो कमर्शियल फार्मिंग आपने देखा, फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, मैन्यूर ज़्यादा यूज किया जाता है, वराइटीज ऑफ टूल्स यूज किए जाते हैं, ट्रैक्टर, ट्रक और डिफरेंट टाइप ऑफ द फावड़े एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है. फर्टिलाइजेशन का बहुत अच्छा होता है, जो कीटनाशक होते हैं, पेस्टिसाइड जिसको आप कहते हैं, उसका यूज किया जाता है. मतलब जो भी हम इनपुट साइंटिफिक नॉलेज सिस्टम के अंदर डाल सकते हैं, हम वो क्या करते हैं, डालते हैं. तो ये तीन तरीके की खेती थी. आई हैव गिवन यू द डिटेल अबाउट दैट वन. फिर आता है छोटा सा टॉपिक, बार बार आप पढ़ते आ रहे थे, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप. रबी क्रॉप कौन सी फसल होती है और खरीफ क्रॉप कौन सी फसल होती है? तो रबी क्रॉप जो फसल होती है वो क्या होती है, सर्दियों के महीने में लगाई जाती है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लगाई जाती है, और फरवरी मार्च तक इसको क्या करा जाता है, काट लिया जाता है, ठीक है. जिसमें चना, दालें, मटर, गेहूं, जौ, इस तरीके की चीजें होती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा
ना पानी की जरूरत होती है ना ही ज्यादा धूप की जरूरत होती है, इस वजह से सर्दी की फसलें हैं। दिमाग में बैठा लीजिए, रबी मीन्स विंटर, खरीफ क्रॉप, ये मानसून में लगाई जाती है और सर्दी आते हैं तो इसको काट लिया जाता है। तो लगभग दोनों ही खेती इंडिया के हर एक कोने में होती है, जहाँ पे चेंजेबल मौसम होता है वहाँ पे जरूर होती है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, दोनों चीज ठीक है। और खरीफ मानसून, बारिश, पानी, ह्यूमिडिटी, ये सब कुछ चाहिए यहाँ पे। जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, इसमें ज़्यादा पानी की नहीं, मतलब ऐसा मौसम चाहिए होता तो वहाँ पे होता है ठीक है। तो लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन आई हैव शेयर यू, आगे हम फर्दर और भी अपडेट्स के साथ आते रहेंगे। सो ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, होमवर्क जो दिया गया उसको करना है।